पलामू को दोहरी नियोजन नीति के नाम पर ठग चुकी भाजपा की रघुवर सरकार ने विश्वविद्यालय के माध्यम से रोजगार देने का वादा तो किया, पर पलामू में चतुर्थ वर्गीय पद पर रोजगार देने में नाकामयाब हो चुकी। सत्तासीन भाजपा ने पलामू के बेरोजगारों को रांची में बुलाकर सरेआम बेइज्जत भी किया। इस ढकोसले के खिलाफ जहां युवा बेरोजगार हो या गए नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के छात्रों में आक्रोश है, वहीं धोखे दिए जाने के खिलाफ गुस्सा भी है। पलामू का एनपीयू ही नहीं, इसका कहर राज्य के कोने कोने से आए युवाओं को झेलना पड़ा, जो दोहरी नियोजन नीति का प्रमाण है। वहां मौजूद छात्रों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया है। पलामू के छात्र संगठन आपसू यानी अखिल पलामू छात्र संघ ने भी दर्शा दिया कि पलामू में स्थापित नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय रोजगार मेला के माध्यम से ठगने का काम कर रही है। हालांकि इसका विद्रोह पहले से ही जारी था, पर विश्वविद्यालय कुलपति के वादे ने छात्रों को डिगाए रखा था। एसी बस या कहें स्पेशल बस से भेजे जाने के बावजूद एनपीयू के रजिस्टर्ड छात्रों को रोजगार का ना तो अवसर मिला, ना ही ये महसूस हुआ कि छात्र 165 किलोमीटर दूर पहुंच रोजगार के लिए आए हैं। कैपिटल न्यूज रांची तो नहीं पहुंचा, लेकिन वहां से हो रही वायरल वीडियो द्वारा इस बात को प्रमाणित कर रही है कि बेरोजगारों के साथ छल हुआ या कहें उन्हें उनका अधिकार नहीं मिला। आप सुपलामू ने तो अपना काम कर दिया, अब संभलना भाजपा के उस कुनबे को है जो शिक्षित रघुवर राज की परिकल्पना का ढिंढोरा पलामू जिले में पीट रही है, या वोट बैंक बनाने के नाम पर विज्ञापन का खेल खेल रही है, जो पलामू जिला मुख्यालय स्थित परिसदन में रांची के तर्ज पर सांसद के निर्देशन में देखने को मिला। अब इसकी विश्वसनीयता पर भी निगाह डाल ली जाए और युवाओं की बात सुन ली जाए। लेकिन कभी कोई नहीं पूछा, लेकिन यहां से वहां दौड़ा दौड़ा के खाली परेशान किया है सबको, इस लाइन से उस लाइन, उस लाइन से इस लाइन। आप सुबह कितने बजे आए थे? हम लोग 11 बजे से आके अभी पहुंच करने वाले हैं, अभी तक कुछ नहीं आया, कोई पूछा भी नहीं है कि क्या खाना है पीना है, कहां से आए हैं लोग, दूर दूर से लोग आए हैं, सब पढ़े लिखे बेरोजगार लोग, रोजगार मिलेगा बोल के, लेकिन यहाँ परेशान करके रख दिया है सारे लोगों को।